रामगढ़ कस्बे के संस्कार वैली स्कूल में अटल ट्रैकिंग लैब का उद्घाटन अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अकबर खान व राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य रमेश पालीवाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अटल ट्रैकिंग लैब के माध्यम से ज्ञान विषय में पढ़ने वाले बच्चे अपने नवाचार विचार और नए नए प्रयोग कर तकनीकी से आविष्कार कर स्वरोजगार के अवसर पर उपलब्ध करा पाएंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अकबर खान ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से बच्चे अपने आइडिया विचार और अब सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे। भारत सरकार की ओर से देश की शिक्षा व्यवस्था में पैराडाइमिंग स्विट लाने की मकसद से लॉन्च की गई इस लैब में 30 प्रिंटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक के नए तकनीकों से छात्र को रूबरू होने का अवसर मिलेगा। लैब के आधुनिक माध्यम से बाल वैज्ञानिक तैयार करने का मार्ग प्रशस्त होगा। अटल इनोवेशन मिशन के तहत रामगढ़ कस्बे के विद्यालय संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल का चयन हुआ है। इस लैब को स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने अगले 5 वर्ष में 20 लाख रुपए का अनुदान किया जाएगा। उद्घाटन अवसर पर संस्कार वैली स्कूल के डायरेक्टर मुरारी दहाइया, राम बाबू गुप्ता, जतिन सैनी, मान सिंह, बच्चों के अभिभावक सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो आज दिनांक 11 दिसंबर को यह अलवर रामगढ़ में स्थित संस्कार वैली स्कूल में ATL लैब की इनोग्रेशन की गई है। ये जो लैब है इसमें हमारे तकनीकी जो चीज़ें हैं उसको जानकारी जो है बच्चों को सीखने को मिलेगी। जैसे कि आजकल जो आपकी जो थ्योरी जो हम पढ़ते हैं किताबों में वही सिर्फ काबिल नहीं है हमारे जॉब या फिर आगे जो काम करेंगे उसके लिए, हमारे वो प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जानकारी होना। थ्योरी जो हम पढ़ते हैं किताबों में वही सिर्फ काबिल नहीं है हमारे जॉब या फिर आगे जो काम करेंगे उसके लिए, हमारे वो प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो उस जानकारी को करने के लिए हमने ये लैब जो है इस्टेब्लिश की गई है। ये हमारी कंपनी ने इस्टेब्लिश की है टेकृत्या एडवेंचर, जो हमारी कंपनी का नाम है। और इस लैब में हमारे जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो यहाँ पे सीख सकते हैं। जैसे अगर बात करें प्रोग्रामिंग, जैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से हमारी जो कोडिंग जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है। हमारी क्लास 6 से लेकर आपकी 12वीं तक के बच्चों के लिए तो कोडिंग मैंडेटरी है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपकी कोडिंग के हिसाब से आपकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं। अलग अलग आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, जैसे आपके 3D प्रिंटिंग है, आपकी प्रोग्रामिंग है, उसके अलावा कंट्रोलिंग्स है, रोबोट बनाना सीख सकते हैं टेलीस्कोप से। तो आपके सिर्फ जो हम किताबों में सीखते थे कि आपका जो ज्ञान था कि आपने जो पढ़ा है वो देखा है बस, बट यहाँ पे आप उसको कर सकते हो। तो ये ATL की लैब है जिसमें हम जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको अच्छे से करके हमारी जो स्किल सेट्स हैं उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे हमारे आगे की जो आपकी जॉब है या फिर कुछ भी जो आप काम करोगे उसमें आपको हेल्प मिलेगी।